हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई रीड मैथ क्लास थर्ड चैप्टर 8 मीजरमेंट। तो ये आपका नया चैप्टर आज शुरू हो रहा है। इसमें मीजरमेंट अर्थात माप सिखाएंगे। जैसा कि आप जानते हो, मीजर ऑफ द लेंथ, लंबाई मापना, किसी भी लंबाई को आप या तो मीटर में नापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मीजरमेंट लेंथ मीटर, और इसको एम से डिनोट करते हैं, और किलोमीटर, और स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, इसको सी एम से डिनोट करते हैं। और इसी बेस पर आपकी ये प्रैक्टिस 18 होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में यदि मीटर बनाना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, और 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर। ये 4 फॉर्मूलाज हैं जिनकी सहायता से आप ये प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले 8A का क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है मैचिंग, क्वेश्चन नंबर 1 दी है मैचिंग। मैचिंग में ए दिया है 5 मीटर, बी 6 किलोमीटर, सी दिया है 3 किलोमीटर, 4 मीटर, और 13 मीटर 56 सेंटीमीटर। राइट साइड पर दिया है फर्स्ट 6000 मीटर, 1356 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 3004 मीटर, 1, 2, 3, 4। तो 5 मीटर इक्वल कितना होगा 500 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट तो थर्ड से मिलाते हैं, ए डालते हैं। सेकेंड है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर में 6000 मीटर होगा, तो बी को फर्स्ट से मिलाते हैं, यहां पर बी डाल देंगे। सी 3 किलोमीटर, 4 मीटर, तो इसको फोर्थ से मिलाएंगे, इस पर सी डाल देंगे, और लास्ट में बचेगा 13 मीटर 56 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकेंड से मिलेगा डी। तो इस तरह से आपकी ये मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। चेंज द फॉलोइंग एस डायरेक्टेड यूनिट। फर्स्ट दिया है आपको बनाना है मीटर, तो हो कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। अब चूंकि आपको बनाना है तो 1 मीटर इक्वल 1/100 मीटर,
क्या करते हैं, सॉरी मीटर चाहिए तो मीटर पहले लिखते हैं और सेंटीमीटर की जगह 900 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, बचेगा आपका 9 मीटर और यहां पर आप 9 लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन ए आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी, डी कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेंटीमीटर। अब इसको आप बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां लिख सकते हैं बी 1 मीटर इक्वल सेंटीमीटर, तो 2 मीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी 100 × 200 यहां पर भी सेंटीमीटर बन गया और ये 20 मीटर 20 सेंटीमीटर पहले से रखा था, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एफ कन्वर्ट करना है, तो बड़े से जब छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 46, इसमें भी लिखेंगे पहले बी किलोमीटर इक्वल मीटर, तो 46 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, 1000 × 46 मीटर प्लस 265 मीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे ये मीटर है ये भी मीटर है, 5 × 5 = 6264 और ये आपका आ जाएगा मीटर, तो 46265 का रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और टॉपिक है इसका अलग, आई कन्वर्ट करेंगे, तो वी नो दैट मीटर से किलोमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर, तो 1 की जगह ये लिखेंगे 2347/1000, यहां पर 1000 में 3 0 है तो 2347 पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 डेसिमल लगा देंगे तो आपका 2 किलोमीटर, डेसिमल के आगे वाला किलोमीटर और डेसिमल के पीछे वाला 347 मीटर, यही आपका रिजल्ट होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।